मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में सज गया है बागेश्वर धाम सरकार का दरबार। 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक होनी है श्रीमद् भागवत कथा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जगह जगह होर्डिंग पोस्टर इस समय आपको अशोकनगर जिले में देखने को मिल रही होगी। इस समय आइए आपको लेकर चलते हैं बागेश्वर धाम सरकार जहां कथा कर रहे हैं उस कथा स्थल की ओर, और जानते हैं कहां कथा स्थल है और कितना बड़ा यह कथा स्थल है। तो मुख्य शहर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर जो नवीन गल्ला मंडी बन के तैयार हुई है वहां पर यह कथा हो रही है, और एक बड़ा प्रांगण है इस कथा के लिए। कथास्थल की ओर बढ़ते समय यह देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर पार्किंग की व्यवस्था, इसके साथ साथ लोगों के लिए निकलने के लिए पर्याप्त रास्ते, इसके साथ साथ आसपास में बढ़िया साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। और देखने में आया कि जगह जगह झंडे जो है लगे हुए नजर आए, जिन्हें हम लोग धर्म ध्वजा का कहते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार लगातार धर्म ध्वजाका की बात करते हुए नजर आते हैं, और अब कहीं ना कहीं वो सब देखने को भी मिलने लगा है। तो मंडी में है जो है कथा होनी है, और मंडी के आसपास मेले जैसा दृश्य बनता हुआ नजर आ रहा है। दूर से लाइटें आपके लिए मंडी में जलती हुई अलग दिखी जाएंगी, साथ साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी बहुत कुछ दावे मौजूदा समिति जो कथा करा रही है वो भी है। कथा स्थल के पास में ही एक शराब की दुकान भी खुली हुई है, यह है नवीन गल्ला मंडी। जो बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनते हैं वो जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार नशा मुक्ति को लेकर किस तरीके से लोगों पर प्रभाव बनाने में कामयाब रहे हैं, और लोग उनकी कथा सुनकर बड़े पैमाने पर नशा करना छोड़ रहे हैं। तो देखिए मंडी है और किस तरीके से पूरी मंडी सजा दी गई है बागेश्वर धाम सरकार के स्वागत के लिए, क्योंकि यहाँ पर ही अब कथा का रसपान हम सबको करना है। और 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बागेश्वर धाम सरकार यहाँ कथा श्रवण करेंगे, और हम सब उनके मुखारविंद से कथा सुनेंगे। लाखों की भीड़ बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने उनके दिव्य दरबार में पहुँचती है, और दिव्य दरबार का जो दृश्य होता है वो देश दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है। फिर बात अगर बुंदेलखंड की हो तो रिकॉर्ड तो बनना तय है। तो मंडी की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और मंडी के भीतर जिस तरीके से सजावट की गई है वो तारीफ के लायक है। तो अशोकनगर की नवीन गल्ला मंडी किस तरीके से जगमगा रही है, किस तरीके से उसे सजाया गया है वो सब आपके सामने है। वास्तविकता में बागेश्वर धाम सरकार की कथा को लेकर तैयारियां जिस तरीके से होनी चाहिए वो करती हुई अशोकनगर की जनता नजर आ रही है, यहाँ की कमेटी करती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा प्रांगण इस समय मंडी में जो है वो कथा का कहीं ना कहीं मेजबानी करने के लिए तैयार है, और कथा की तैयारियों को लेकर भी तैयारियां लगातार देखने को मिल रही हैं। तो यह मंडी स्थल है, और यही मंडी स्थल पर यह मंच लगा हुआ है, और मंच के आसपास भी एक मंच है ताकि लाखों लोग आराम से बैठ सकें। अगर बैठने की हम बात करते हैं तो 100x80 में जापानी टेंट लगाया गया है, उसके बगल में 30x500 में भी एक टेंट लगा हुआ है। इसके साथ साथ मंडी के जो ऊपर का टीन सेट है वो भी बना हुआ है आसपास में। तो तकरीबन अगर बैठने की बात करें तो 1.5 लाख लोग आराम से कथा सुनने के लिए
जमीन पर आराम से बैठकर कथा सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हमने बात की तो कमेटी वालों ने बताया कि 20 LED जो है वो भी लगाई जा रही है ताकि महाराज जी को देखने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो श्रद्धालुओं को, और दूर से भी महाराज जी को सुन सकें। तो अशोकनगर सच चुका है, बागेश्वर धाम सरकार की कथा की मेजबानी करने के लिए तैयार है और बागेश्वर धाम सरकार भी अशोकनगर पहुंचने वाले हैं। 23 तारीख को भव्य कलश यात्रा, 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा, 26 और 27 तारीख को दिव्य दरबार, 28 को भभूति वितरण, 30 तारीख को साथ साथ भजन संध्या का भी कार्यक्रम है। तो एक नवीन गल्ला मंडी किया आप देख लिए दृश्य किस तरीके से है और किस तरीके से तैयारियां आरंभ है बागेश्वर धाम सरकार के स्वागत को लेकर, बागेश्वर धाम सरकार की कथा को लेकर, और बड़ा भंडारा भी यहां पर हो रहा है। लाखों लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी कमेटी द्वारा की जा रही है। तो छोटा सा दृश्य था जो हमने दिखाने का प्रयास किया है अशोकनगर में किस तरीके की तैयारियां की जा रही है, कहां पर बागेश्वर धाम सरकार की यह कथा हो रही है। तो अशोकनगर नवीन गल्ला मंडी में यह कथा का पंडाल सजा हुआ है। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।